अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। राजस्थान के जालौर में टिड्डियों के आतंक से किसान परेशान, फसलों को बचाने गहलोत सरकार से मदद की गुहार। खेतों में थालियां पीटते और अलाव से धुआं फैलाते ये राजस्थान के जालौर जिले के किसान हैं, जो टिड्डियों के आतंक से परेशान हो उठे हैं। एक तो लॉकडाउन की मुसीबत, ऊपर से टिड्डियों के हमले ने इन किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में किसान अपनी फसलों को बचाने दिन रात ढोल और थाली बजा बजा कर टिड्डियों को भगाने का जतन कर रहे हैं। जालौर में ही नहीं बल्कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली समेत तमाम जिलों में यही हालत है। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में टिड्डियों का आतंक इतना विकराल है कि प्रशासन की कोशिशें भी नाकाम साबित हो रही हैं। ऐसे में हारे हुए किसान अब टिड्डी दलों से बचाने सीएम अशोक गहलोत और पीएम से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए। प्राकृतिक आपदा हमारे किसानों के लिए एक से बढ़कर एक आ रही है। हमारे स्थानीय क्षेत्र में चार बार टिड्डी दल का हमला हो चुका है और जिससे रबी की सीजन में बोई गई फसलों को नुकसान हो रहा है और अभी तक जो टिड्डियां हैं वो हमारे क्षेत्र से गई नहीं है। हो सकता है इन टिड्डी दलों का पुनः हमारे फसलों पे ये हो जाए हमला, जिससे हमारे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। हमारा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इस टिड्डियों को नेस्ताबूत करने के लिए मशीनों का उपयोग कर उसको समूल जड़ से अगर नष्ट करती हैं तो हमें राहत प्रदान होगी, नहीं तो आने वाली रबी की फसल में और भी हमारे खेतों में फसलें बोई जाएगी और हमें लगता है कि इनकी जड़ मिटने वाली नहीं है। इस बारे में प्रशासन अग्रिम कार्रवाई करे। जाहिर है टिड्डियों ने देश के अन्नदाताओं के लिए नई मुसीबत बढ़ा दी है। जरूरत है कि सरकार समय पर व्यापक रोकथाम की पहल करे, वरना कहीं ऐसा न हो जाए कि देश को अन्न खिलाने वाले राजस्थान के अन्नदाता फसलें बर्बाद होने से खुद अन्न के लिए मोहताज हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।